हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने आलू की खेती में सिंचाई कर रहा हूं, जिससे मैंने पुराना वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे हम लोगों ने आलू की खेती की थी, उसी को हम सिंचाई कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं ये हमारी खेती है आलू की। इस तरह से देख सकते हैं ये लगा हुआ है, इसी को हम लोग सिंचाई कर रहे हैं और इसे हम लोग जनवरी लास्ट तक में ये पूरी तरह से खेती जो है वो आलू आ जाएगा तो उसे हम फिर निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने पाइपिंग में मतलब सीधा फोर्स आलू खेती पर ना पड़े, नहीं तो आलू दिखाई देने लग जाता, उखड़ जाता है। इसलिए हम लोग इसे देख सकते हैं छलनी है, छलनी में कुछ घास डाल लेते ताकि जो पानी का फोर्स है वो बिफरा हुआ आए। तो इस तरह से देख सकते हैं लोग सिंचाई करते हैं अपने खेत पर। और जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें ऐसे ही फोर्स मतलब ऐसे बनाया जाता है कि एक जगह से फोर्स डाला जाता है, पूरे जितनी भी पलियां होती हैं उसमें चला जाता है। लेकिन हम लोगों का जो खेती है वो छोटे पैमाने पर, इसलिए हम लोग ऐसे सिंचाई करते हैं। तो देख सकते हैं कितने पलियां हैं, इस तरह से चार पलिया है और हम लोगों ने इसे 10 किलो लगाया था आलू। तो देख सकते हैं ये भी एक खेती है जो हमारे पड़ोसियों का है और भी उधर है, देख सकते हैं एक और खेत उधर है और ये मेरा वाला जिसमें मैं सिंचाई कर रहा हूँ। दोस्तों, सुबह टाइम लाइट ही नहीं थी, अभी लाइट आई है, 2 बजे के करीब है और मैं 2 बजे ही सिंचाई कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, और भी हम लोगों ने बीच बीच में मूली बोया है और उस उधर देख सकते हैं पालक है और धनिया है, धनिया की पत्ती जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है सब्जी वगैरह में डालने के लिए, उसे भी हम लोगों ने बोया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये धनिया की पत्ती है जो आप सब्जी लेने जाते तो उसमें फ्री दिया जाता है, इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं आपको पालक दिखाता हूँ, ये है पालक, देख सकते हैं ये पालक है जो कि पालक की सब्जी बहुत ही पौष्टिक होती है और दोस्तों आलू के साथ और भी स्वादिष्ट होता है। देख सकते हैं ये पालक है, ये हम लोगों ने पालक बोया है, दो पलिया में है। और मैं आपको दिखाता हूँ चना भाजी। दोस्तों, ये चना भाजी जो हमारे इधर बिंध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है चना भाजी, इसी को भाजी बोला जाता है, देख सकते हैं। और ये आलू है, अब देख सकते हैं ये हम लोगों ने मिर्ची लगाया हुआ है, देख सकते हैं मिर्ची है और हम लोगों ने इसे कांटे से इसलिए लगा रखा क्योंकि बंदर यहाँ बहुत परेशान करते हैं, देख सकते हैं बंदर मिर्ची तक खा जाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये भाटा है, हम लोगों ने भाटा भी कहीं कहीं लगाया हुआ है कद्दू का। और देख सकते हैं ये पात गोभी है, हम लोगों ने फूल गोभी जानबूझकर नहीं लगाया क्योंकि बंदर खा जाते हैं। तो इस तरह से मैं सिंचाई कर रहा हूँ।